जैसे मैं समेत पश्चिमी राजस्थान में पिछले दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। कुछ दिनों पहले हल्की बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक एहसास हुआ, लेकिन एक बार फिर गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। दोबारा हीटवेव का असर दिखने लगा है और अनुमान है कि कुछ दिन काफ़ी गर्म हो सकते हैं। यहाँ भी जिला अस्पताल में क्या हालात हैं, क्या निपटने की तैयारी है, लोगों का क्या कुछ कहना, क्या व्यवस्थाएं, इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। जैसलमेर शहीद पश्चिमी राजस्थान में इस बार गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाए। लगातार तापमान में बढ़ोतरी के बाद कुछ दिनों से राहत है, लेकिन कहा जा रहा है कि हीटवेव जो है वो फिर अपना असर दिखाएगी। हालांकि अभी भी गर्म हवाओं और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं और दोपहर के वक्त में लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन हीटवेव और बढ़ने वाली है इसकी चेतावनी दी गई है। और उससे पहले जो है वो जो हल्का हीटवेव का असर है वो देखने को भी मिला है। सड़कें जो आप देख सकते हैं ये सबसे व्यस्त मार्ग रहता है। सामने देखिए लोग छाया में बैठे हैं, पानी पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी काम के बिना घरों से बाहर ना निकले। और लगातार जो है वो गर्मी का असर जो है वो जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो मुख्य मार्ग है जो हर वक्त गाड़ियों से लबरेज रहते हैं, पैदल चलने वाले लोगों से लबरेज रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि एक तरफ डीएम ऑफिस है तो दूसरी तरफ एसपी ऑफिस, एसडीएम कार्यालय भी यही है, तहसील कार्यालय भी यही है। तो लगातार जो है वो भीषण गर्मी से जो लोग हैं वो परेशान हैं और वो अल सुबह या तो अपना काम निपटा लेते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। देखिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा पहले वो यहाँ की जो है वो खाली सड़क का जो है वो एक बार दृश्य दिखाए। देखिए इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, गर्मी का दौर है और जो लोग गुजर रहे हैं अधिकतर लोग वातानुकूलित गाड़ियों में, दुपहिया वाहन पर बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे। सामने प्रशासन द्वारा जो है वो शीतल पेयजल की व्यवस्थाएं जो है वो भी की गई है। वहां पर भी देखिए लोग जो है वो पानी पीकर अपनी इस गर्मी से जो है वो राहत का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि गर्मी जो है वो किस तरह लोगों को परेशान कर रही है और ये प्याऊ कितना राहत दे रहा है। वैसे अब गर्मी जो है जैसलमेर में हमेशा बढ़ती है, थोड़ी राहत मिली थी लेकिन अब फिर गर्मी बढ़ना शुरू हुई है, कैसा मौसम है? दो दिन से और ज्यादा बढ़ रही है। क्या लगता है इस तरह गर्मी बढ़ी तो परेशानी कितनी बढ़ेगी? तो ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या काम करते हैं आप? सब हम तो फेरी का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी जो है वो यहाँ पानी पीने रुके हैं, कितनी राहत है? क्या पानी ठंडा है, किस तरह? ठंडा है सर। देखिए इनका कहना है कि ठंडा पानी है, थोड़ी गर्मी से राहत मिली। कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब कैसी गर्मी है इन दिनों जैसलमेर? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत परेशान हो गए। हीटवेव चल रही है तो किस तरह बचने का प्रयास कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं? हेलमेट लगाते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, गीला कपड़ा करके बांधते हैं। सही है। देखिए इनका कहना है कि जब बाइक पर निकलते हैं तो गीला कपड़ा करके बांध लेते हैं, हेलमेट पहनते हैं, कैप और चश्मे भी लगाते हैं क्योंकि गर्मी कुछ ज्यादा होती जा रही है। देखिए इस जो प्याऊ को तैयार किया गया, मेरे सेवकों का वो कुछ पीछे चलकर आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। इस प्याऊ को जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है ताकि जो पानी इन कैंपरों में रखा गया है वो जल्दी से गर्म ना हो। और जो खीप की जो है वो झोपड़ी की तरह बनाया गया है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो वहां भी गर्मी का आलम बहुत तेज है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, उनसे बात करते हैं। जैसे गर्मी गाँव में कैसी है, गाँव में किस तरह परेशान? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत दुनिया भटक मर रही है। मवेशियों के लिए पानी की दिक्कत इस गर्मी में होने की? बिल्कुल घनी, पानी है ही नहीं यार वहाँ से, जंगल में वहाँ मवेशी तिस मर रहे हैं और गर्मी में बहुत गर्मी। देखिए इनका कहना है कि गर्मी जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मवेशियों के लिए भी इस गर्मी में जो है वो जल संकट गहराया है। हीटवेव की अगर बात करें तो आगामी दिनों में इसका असर और बढ़ेगा। इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है ये जांचने के लिए हम आज जैसलमेर जिले के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल जवाहर चिकित्सालय पहुंचेंगे और वहां की रियलिटी जानेंगे कि सरकार और प्रशासन जो दावे कर रहा था कि हीटवेव को लेकर तैयारियां कर ली गई है उसकी क्या स्थिति। तो आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर के राजकीय जवाहर चिकित्सा। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच हीटवेव के केसेस से जो है वो राहत पाने के लिए उन लोगों के इलाज के लिए जैसलमेर के राजकीय जवाहर चिकित्सालय में लू तापघात कक्ष जो है वो बनाया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं। हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं, आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए ये पूरा वातानुकूलित वार्ड बनाया गया है, यहाँ करीब 10 से 12 जो है वो बेड है और आप देख सकते हैं एसी जो है वो लगाए गए हैं, साथ ही साथ
ऑक्सीजन के लिए सारी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है, पूरा जो है वो सारा तैयारियां जो है वो पहले से कर ली गई है ताकि अगर हीटवेव के मरीज आते हैं तो उन्हें जो है वो राहत प्रदान की जा सके। साफ सफाई की अगर बात करें तो साफ सफाई भी है, लाइट की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और मेरे साथ यहाँ पर एक चिकित्सा कर्मी, उनसे बात किया था। भाई साहब क्या नाम है आप? जयपाल। जयपाल जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई है हीटवेव को लेकर, किस तरह इस वार्ड को तैयार किया गया है? वार्ड व्यवस्थित ढंग से किया हुआ है, एसी वगैरह लगी हुई है, यहाँ 10 बेड लगाए हुए हैं लूट आपके लिए। अभी पेशेंट नहीं आ रहे हैं क्यों, अभी मौसम में थोड़ा बदलाव आ रहा है। बताया जा रहा है कि आगे उन दिनों में गर्मी बढ़ेगी, तो अभी से क्या तैयारियां उसके लिए की जा रही है और किस तरह से डॉक्टर्स की टीम तैयार है और पूरी व्यवस्थाएं? हमारा पूरा स्टाफ ये रेडी है, कोई भी मालिक कोई मरीज आए उसको तुरंत हम हीटवेव वाले रूम में लेते हैं। एसी वगैरह लगी हुई है, स्टाफ मेडिसिन फुल है हमारे पास, कोई भी मेडिसिन कमी नहीं है, डॉक्टर की टीम तैयार है, सब रेडी है। बात करें अगर मेडिसिन की तो कौन कौन सी मेडिसिन काम आती है जब हीटवेव के मरीज आते हैं, और क्या संख्या रही पिछले गर्मी जब थी तो क्या मौतें भी हुई थी, तो किस तरह बचाने का प्रयास करते हैं? हमने उनको जैसे पीसीएम इंजेक्शन लगाना, हीटवेव के लिए कोल्ड स्टोरेज देना और डीपी वगैरह लगाना, इंजेक्शन एंटीबायोटिक। अगर बात करें बेड की तो कितने बेड लगाए गए और कितने रिजर्व में रखे गए अगर मरीजों की संख्या? 10 बेड तो लगाए हुए हैं, अभी 15 बेड अपने पास रिजर्व रहे। देखिए इनका कहना है कि 10 बेड का ये वार्ड जो है वो बनाया गया है। साफ सफाई की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साफ सफाई भी जो है वो माकूल है। आप देखिए हालांकि अस्पताल को जो है वो अब कहीं ना कहीं जरूरत है कि थोड़ी मरम्मत का कार्य जो है वो किया जाए। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए काफी हद तक जो है वो तैयार कर लिया गया है। जनरल सर्जन जो है और फिजिशियन जो है वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ अन्य जो नर्सिंग स्टाफ है वो सेवाएं दे रहे हैं, और तमाम इक्विपमेंट्स जो है वो यहाँ पर मुहैया किए गए हैं। अब देखने की बात तो ये होगी कि जब हीटवेव के मरीज आएंगे तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है उन्हें मिल पाएगी। अभी की अगर बात करें तो एडमिट कोई मरीज अभी है नहीं, हालांकि मौसम में जो है वो धीरे धीरे बदलाव आया तो उससे हल्की राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर अगर हीटवेव का असर बढ़ेगा तो उनके लिए पहले से ही अस्पताल प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई है। हीटवेव को लेकर अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं ये सब हमने जांचा, लेकिन उससे बचाव कैसे हो, हमें अस्पताल तक ना पहुंचना पड़े, हम पहले ही जो है प्रिकॉशंस ले लें। मेरे साथ जो है डॉक्टर गुर्जर है, उनसे बातचीत करते हैं। रोहिता जी, क्या कुछ जो है वो लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है, चरम जो रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं पश्चिमी राजस्थान में। अभी क्या गर्मी का मौसम चल रहा है तो दीदी, अगर एक तो मरीज लोगों को दोपहर के टाइम घर से बाहर ना निकले, ये जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, और बाहर निकले तो प्रॉपर कवर करके निकलें, सर को ढक के निकलें या पूरे पूरे कपड़े पहन के निकलें, और साथ में तरल पदार्थ पीते रहें, जैसे छाछ है या जूस वगैरह है, ठंडा पानी है वो पीते रहें। और यदि कोई तकलीफ होती है मरीज को, बुखार आ रहा है या थोड़ा कन्फ्यूज टाइप हो रहा है, वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हीट वेव को ऐसे यदि टाइमली आप ट्रीटमेंट लोगे तो उसका इलाज है। एक बार मरीज की कंडीशन सीरियस हो गई तो फिर उसको बचाना मुश्किल है। जैसे कई बार देखने को मिलता है कि लोग जो है वो अचानक पहुंचते हैं, फिर जो है हड़बड़ मच जाती है, कई बार हीट स्ट्रोक के केसेस भी सामने आते हैं, तो क्या रीजन है, क्या पानी की कमी होती है, क्या कारण रहते हैं? वो ये टेम्परेचर एक्सपोजर होता है। कई लोग जो गाँव में है वो गर्मी में काम करते रहते हैं, टाइम पे पानी पी नहीं पाते हैं और उसके धूप के एक्सपोजर आते हैं तो उनका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। टाइमली नहीं दिखाने के कारण 6 घंटे या 12 घंटे में जो बॉडी का टेम्परेचर वो लगातार इंक्रीज रहता है। इसी कारण बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है या कई सारी चीज़ें जो इम्बेलेंस होती है बॉडी में, इसी कारण पेशेंट कन्फ्यूज होता है, उल्टी होती है, बेहोश हो जाता है, और उसके बाद हीट स्ट्रोक घातक बीमारी एक तरह की, हीट स्ट्रोक होने के बाद घातक है वो, अर्ली स्टेज में दिखा लो तो फिर मरीज को बचा सकता है। अगर समय रहते ना दिखाया जाए तो कई बार मौत के केसेस भी आते हैं। हीट स्ट्रोक में लगभग 10% मोर्टलिटी होती है। एक बार हीट स्ट्रोक हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया, उस कंडीशन में 10% मोर्टलिटी होती है। चाहे कितना आप ट्रीटमेंट दे दो उसको, आईसीयू में ले लो, कितना अच्छा मैनेजमेंट कर दो, तो भी 10% मोर्टलिटी होती है। तो प्रिकॉशन मतलब प्रिवेंशन इसमें बेस्ट है बजाय ट्रीटमेंट के, तो आप इसका ध्यान रखें। अभी अगर बात करें केसेस की तो पिछले दिनों टेम्परेचर 50 के पास था, तो उन वक्त मरीजों की तादाद कैसी रही? क्या 5-7 पेशेंट आए थे और 2-3 पेशेंट रेफर भी किए थे, एक आधा बीएसएफ के साथ डेथ भी हुई थी और एक आधा रेफर किया था, उनका भी पता है नहीं बच गए या डेथ हुई है, बाकी ओवरऑल 5-7 पेशेंट हैं यहाँ। उसके बाद अभी 5-10 दिन से कोई पेशेंट अभी नहीं आया।
देखिए गर्मी का जो असर है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में फिर जो है गर्मी बढ़ सकती है, ऐसी संभावना है। उसको देखते हुए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इनका कहना है कि ट्रीटमेंट तक पहुंचने से पहले अगर हम खुद जो है वो सावधानियां बरत लें तो हमें इससे निजात मिल सकती है। हालांकि हीट स्ट्रोक के केसेस में डॉक्टर्स के अनुसार 10-12% तक मोर्टेलिटी रेट्स भी रहती है। जरूरत है कि इस भीषण गर्मी में हम खुद का बचाव स्वयं करें, साथ ही साथ अस्पताल की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं माकूल नजर आई। बात करें एयर कंडीशनर रूम की, लू तापघात के लिए जो अलग से वार्ड बनाए गए हैं उसमें भी काफी जो है वो राहत के लिए जो है वो तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी जैसलमेर।